Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. और आने वाला Valentine's Day सिर्फ एक या दो दिन में Valentine's Day है and आज I am going to cook Valentine themed recipes and hence this red color. आज के video में हम लोग try करने वाले हैं to make five इस्थेटिक पिंटरेस्टी वैलेंटाइन थीम्ड रेसिपीज ताकि इफ़ यू आर प्लानिंग आउट वैलेंटाइन डेट यू कैन ट्राई एनी ऑफ दीज आउट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और क्विक रेसिपीज होने वाली हैं वेरी वेरी लवी डवी पिंक रेड हाथ ऑल ऑफ़ दैट वैलेंटाइन एस्थेटिक मैंने पिंटरेस्ट पर जाके कुछ कुछ इमेज निकाली हैं एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड रिक्रिएट ऑल ऑफ दोज तो मेरे पास दो ड्रिंक्स हैं एक सेवरी आइटम है एंड टू स्वीट आइटम्स हैं बिकॉज आई गेस वैलेंटाइन इज ऑल अबाउट द डिजर्ट्स एंड द ड्रिंक्स एंड लेस अबाउट द मेन कोर्स बट येस इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक अट मोमेंट हिट दैट एट सब्सक्राइब बटन नाउ विदाउट एनी फर द ब्लाइरिंग राइट इन टू द वीडियो तो so, ड्रिंक्स हम थोड़ी देर बाद में बनाएंगे सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द थिंग्स जो मुझे माइक्रोवेव में डालनी है बिकॉज उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा सो so, सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक स्ट्रॉबेरी क्रीम डानिश आई डोंट नो इफ इट इज एट डानिश और डानिश आई डोंट नो दैट बट इट इज़ अ वेरी क्यूट डिजर्ट आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हो इट इज सिंपली लाइक पफ पेस्ट्री क्रीम चीज एंड ऊपर से कोई भी टॉपिंग एंड फॉर दैट आई हैव द पफ पेस्ट्री शीट्स योर दैन द क्रीम चीज़ ये मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी वेरियंट में आई नीड सम मिल्क टू ब्रश द एजिस् एंड ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरीज सो दिस इज़ ऑल दैट यू आर गोइंग टू नीड फॉर दिस रेसिपी ट सुपर सुपर सिंपल सो द फर्स्ट स्टेप सिंपली हैज टू बी अफ पेस्ट्रीज को शेप में काटना जिस भी शेप में आपको चाहिए एंड बिकॉज आई विल बी मेकिंग हार्ड शेप तो फिर मैं इनको हार्ड शेप में काट लूँगी माई गॉड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं पफ पेस्ट्रीज़ के साथ काम कर रही हूँ हैवेंड यूज दैम एवर बिफोर एंड पीछे से अगर आपको माइक्रोवेव की आवाज़ आ रही होगी तो दैट इज़ बिकॉज मैंने माइक्रोवेव को वन एटी डिग्रीज पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है दिस इज़ माई पफ पेस्ट्री एंड अभी मैं इसको हार्ड शेप में काट लूँगी एंड आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली और नॉट बट आई विल ट्राई आई थिंक इट विल बी इजीआर विद अ सीजर तो मैं सीजर यूज़ कर रही हूँ टू मेक लाइक अ हार्ट शेप आउट ऑफ इट दिस इज द फर्स्ट हार्ट आई एम नॉट गोइंग टू मेक लाइक अ लॉट ऑफ इट अभी मैं एक दूसरी शीट ले लेती हूँ एंड आई विल बी मेकिंग शैलेज मेक टू एंड ट्राई फॉर नाउ क्योंकि अगर नहीं अच्छे से बना तो इट विल जस्ट बी वेस्टेड सो आई विल जस्ट बी मेकिंग टू राइट नाउन बी यूजिंग दिस बेकिंग ट्रे एंड दिस विल बी माई टू डेमिशेज इसमें अभी सबसे पहले ऊपर मुझे लगाना है क्रीम चीज़ तो मैंने मंगाया हुआ है ये डिलेक्टा का स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज़ पहले मैं बेसिक वाला ही मंगा रही थी बट देन आई थाट कि ये ज़्यादा वाइब्रेंट पिंक दिखा रखा था उसमें मुझे लगा था वैसा आएगा बट ये वैसा नहीं आया हुआ है सो so, अभी मैं बस इसको थोड़ा सा ही इसमें लगा के आई विल जस्ट स्प्रेड इट अ लिटिल आप चाहो तो इसको पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हो बट अभी आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट रफली ऐसे ही ओके इट लुक्स रियली रियली क्यूट मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे इस वाली रेसिपी पे कि ये कैसे बनेगा और कैसे नहीं बिकॉज़ वन आई हैव नेवर वर्कड विथ पफ पेस्ट्रीज़ बिफोर तो मुझे नहीं पता कि इनकी बेकिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं तो मैंने आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ माई रिसर्च एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये टेस्ट कैसे करेंगे बिकॉज क्रीम चीज़ आई हैवेंट यूज मच एक बार मैंने क्रीम चीज़ यूज़ किया था टू मेक अ चीज़ केक एंड इट डिड टर्न आउट रियली रियली गुड बट अगेन आई डोंट नो कि ये कैसा होगा एंड नाउ अब मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज रखनी है तो आई एम गन चॉप अप स्ट्रॉबेरीज तो मैं इनको बहुत ज़्यादा रफली ऐसे ही बस डाइस कर रही हूँ एंड यस तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों के वैलेंटाइंस के क्या प्लान्स हैं यू गाइस गोइंग आउट ऑन अ डेट विद समवन और मे बी योर सेल्फ और मे बी योर कुकिंग इन क्या आपके प्लान्स हैं अगर आप कुक इन कर रहे हो तो ये वीडियो तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है बिकॉज आई लव कुकिंग फॉर माई सेल्फ एंड ऐसी जो पे इंटरेस्टि डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं जो मैंने कभी भी ट्राई ना की हूँ उनको ट्राई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली रही बात वैलेंटाइन की तो आई डोंट हैव एनी सर्च प्लान ऑल्सो आई डेंट डो एनी वैलेंटाइनी सीरीज दिस ईयर जैसे मैंने पिछले साल करी थी मैं उसे लिंक कर दूंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी बट या um, yeah, इस सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वैलेंटाइन वीक और मेरा बर्थडे वीक सेम ही होता है इफ़ यू डोंट नो माई बर्थ डे इज़ ऑन ट्वेल्व तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाती है एंड प्लस अभी तो मैं कंटेंट में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं अभी थोड़ा सा मिल्क ये सिलिकॉन ब्रश में लेके इसके साइड्स में ब्रश करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आ, ये जो एग वॉश लगाते हैं यहाँ पे टू गिव दैट ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी थिंग गोल्डन ब्राउन वाला बट बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन मेरे घर में अंडा कोई भी नहीं खाएगा अब तो ये इसीलिए आई एम यूजिंग अ मिल्क एज एन ऑल्टरनेट अभी मैं इसको माइक्रोवेव में डालने वाली हूँ दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक लुक्स रियली रियली क्यूट आई एजस्ट हो अच्छे से बन भी जाए एंड इसका ट्वेंट टू फिफ्टीन मिनट्स का बेकिंग टाइम आई एम गेक इट एट वन एटी डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन मिनट्स लाइट सो इट इज रेडी एंड इट लुक्स सुपर सुपर क्यूट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना परफेक्ट बन जाएगा लाइक द पर्फ पेस्ट्रीज है सो ब्यूटिफुल एंड इतना फ्लेकी और सुंदर लग रहा है लेट्स गिवेस्ट बाइट जिसमें सब कुछ आ जाए थोड़ा थोड़ा गॉड दिस सो गुड द पर्फ पेस्ट्रीज इज रिजन एंड ब्यूटिफुली एकदम परफेक्ट जो क्रीम चीज मैंने लगाई थी वो ऊपर से थोड़ी सी ड्राई हो गई बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज बेकिंग बट अंडर अंदर से इट इज स्टिल वेरी जूसी एंड क्रीमी एंड ऊपर से जो टांगी और मीठी सी स्ट्रॉबेरीज है बहुत ही ज्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन है इसको आप किसी भी और फ्रूट के साथ बना सकते हो बट आई थिंक बहुत ज्यादा यमी लग रहा है

आई जस्ट कान स्टॉप ईटिंग दैम मुझे नहीं लगा था मुझे माई नेक्स्ट आइटम विच इज एवरी वन एंड पिज्जा बेस देख के तो आप लोग समझ गए हो कि पिज्जा बनने वाला है बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द यूजल पिज्जा अगेन ये होने वाला है हार्ड शेप पिज्जा बिकॉज वाई नॉट आई एम ट्राइंग टू काव आउट द हार्ड शेप जो कि पिज्जा बेस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है

तो मैं अनियन एंड कॉर्न पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ तो मुझे पिनटरेस्ट पे जितने भी डिज़ाइन्स दिख रहे थे क्यूट पिज्ज़ा जो थे अपने पिंटरेस्टी हार्ट शेप पिज्ज़ाज़ दो मेनली पेपरोनी पिज़्ज़ा एंड बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था बिकॉज उन्होंने पेपरोनी से रेड कलर के छोटे छोटे हार्थ्स बना रखे थे पिज़्ज़ा के ऊपर इट लुकड रियली रियली क्यूट बट देन अगेन आई एम अ वेजिटेरियन नाव सो आई डिड नॉट हैव मच ऑप्शन लेफ्ट तो फिर मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू मेक क्रीम एंड सॉरी

इसीलिए एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव पिज्ज़ा एट होम तो मैंने सोचा चलो शॉर्टकट से ही कर लेते हैं तो so, आज मैं कुछ भी स्क्रैच से नहीं करने वाली हूँ कॉमेंट्स में बताना इफ यू वॉन्ट मी टू यू नो शेयर माई पिज़्ज़ा फ्रॉम स्क्रैच रेसिपी इन समर वीडियो आई विल डू दैट बट आज के लिए सब कुछ मैंने स्टोर बॉट ही लिया है आई हैव द स्टोर बॉट सॉस ये वीबा की है एंड uh, मैंने बेस भी बाहर से ही ले लिया था दिस इज़ इंग्लिश अवन एंड अभी आई एम जस गन स्प्रेड एट ऑल अक्रॉस मैं ज़्यादा साइड पर नहीं छोड़ूंगी बिकॉज मुझे वो ब्रेड क्रस्ट जो होता है ना एंड में वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड दिस इज़ वॉट माई हार्ट पिज्ज़ा लुक्स लाइक कॉमन से बताओ कि हार्ट अच्छा कटा है कि नहीं आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड बट यू टेल मी वॉट यू थिंक एंड देन आई हैव चीज़ ये वाला ये है डिलेक्टा का डिलेक्टा का श्रेडिड मौजरला दैट दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टूडे भी मेरा चीज़ जमा वही है बट बिकॉज ये ऑलरेडी श्रेडिड है तो मेरा थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द पिज्ज़ा टेल मी योर पिज्ज़ा ऑर्डर आपका फेवरेट पिज्ज़ा कौन से स्टोर का है एंड एक्सक्यूज मी इफ आई एम डूइंग इट एक्सट्रीमली मेसीली आई रियली रियली लाइक लापिनो उसका पिज़्जा एंड इट्स उसका पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा वॉज माई एब्सोल्यूट फेवरेट बट देन आई टर्न वेजिटेरियन एंड नाउ द सेवन चीज़ पिज्ज़ा एंड ऑल्सो वन आई डोंट रिमेंबर द नेम एक वेजिटेरियन पिज्ज़ा भी है बट एनी वेज चीज़ मैंने डाल दिया है अभी मैं अनियन uh, की एक एक ऐसे अलग अलग इसकी लेयर्स uh, को करके असम्बल कर दूंगी आई एम नॉट गोइंग टू भी एडिंग अ लॉट ऑफ वेजिज़ बस थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा स्वीट कॉर्न इट इज़ लुकिंग रियोली रियली प्रटी आई सेड की कॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा पिज्ज़ा पे विल जस्ट कवर इट विथ चीज़ थोड़ा सा और ताकि ये बस अंदर से ही पीक करें एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रोमिनंटली ये वेजिज़ ना दिखें दिस इज़ आर प्रिंट रेस्टी पिज्ज़ा अभी इसमें थोड़ा सा सीजनिंग डालना बचा है तो so, सीजनिंग के लिए मैंने स्नैपिन का औरिगैनो और चिली फ्लैक्स मंगाया है ये मेरा फेवरेट है बट मैंने इस बार बॉक्सिस न... मतलब वो जो डब्बे में आता है वो नहीं मंगाया आई जस्ट कॉल फॉर दिस सैशेज़ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मुझे पड़ गए थे तो ये दोनों ही मैंने स्नैपिन का ही मंगा लिया है एंड आई एम गोइंग टू स्प्रैट आई लव ऑरिगेनो बहुत सारा ऑरिगेनो मैं डालूंगी एंड चिली फ्लेक्स फॉर दैट स्पाइस आई एम गोइंग टू बेक इट इन माइक्रोवेव नाव प्री हीट में ऑलरेडी कर चुकी हूँ अगेन वन एटी डिग्री सेल्सियस पे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए बेक करेंगे dish that i plan to cook today but this looks the yummiest because i'm not a sweet tooth and i love savory and tika gana so you must bother the appetizing look right and i've broken the heart into two looks really yum let me have a taste the cheese pool was insane and it tastes so good वीबा की पिज्जा एंड पास्ता सॉस इज रियली रियली गुड बहुत अच्छी लग रही है प्लस द कॉर्न एंड अनियन वॉज द राइट चॉइस काफी क्रिस्पी बना हुआ है एंड बाहर के पिज्जा बेस का यही है कि दिस डज नॉट रिमेन वेरी ब्रेड लाइक एंड बिकम्स मोर बिस्किटी, ही एस ए क्रिस्पी क्रिस्पी बट द टेस्ट इज रियली रियली गुड आई विल रेट इड अ सॉलिड सेवन पॉइंट फाइव वन टेन बिक

Dessert kind of easy, dessert a cute aesthetic, easy dessert, and the two are drinks. तो ड्रिंक्स मैं बाद में करूंगी पहले मैं इसको कर दूंगी बिकॉज इसको हमें थोड़ी देर सेट होने के लिए फ्रीजर में रखना पड़ेगा तो दिस इज दिस ब्यूटिफुल चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल एंड काफी लोगों की तो ये ऑलरेडी फेवरेट्स हैं सो वी ऑल ऑल वी नीड इज स्ट्रॉबेरीज एंड मेल्टेड चॉकलेट मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया आप चाहो तो डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिज स्ट्रॉबेरीज एंड कट दैम इन टू लिटिल हार्ट मैंने कभी भी चॉकलेट डिप्ड स्ट्रॉबेरीज नहीं खाई हैं आई थिंक आई एम लिविंग अंडर अ रॉक दैट वीज टू तो मैं पूरा डिप नहीं करूंगी आई एम जस्ट गोइंग टू डिप द टॉप पार्ट बिकॉज जो मैंने फोटो निकाली पिंटरेस्ट से उसमें भी इसी तरीके से डिप किया हुआ है एंड आई विल लेट द एक्स्ट्रा ड्रिप डाउन एंड वाओ दे ऑलरेडी लुक सो क्यूट बट अभी मेरी प्लेट पे ऑलरेडी चॉकलेट गिर गई है तो इट इज़ लुकिंग अ लिटिल बिट मेसी बट आई विल ट्रांसफर देम टू अनदर प्लेट आई डोंट नो अभी तक तो ये क्यूट हार्ट्स लग रहे हैं जब ये स्ट्रॉबेरी है बट एज सुन एज आई डिप देम इन चॉकलेट स्टार्टिंग टू लुक लाइक बम आई डोंट नो इफ आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बट आर लुकिंग लाइक बम मोर देन हार्ट्स आई डोंट नो वाई आई मीन दे लुक क्यूट एंड ऑल

एम गोइंग टू ट्राई दैम नाउ बिकॉज इट लुक सो गुड लाइक ये तो पक्का बना लेना दो मिनट लगते हैं बहुत ज्यादा यमी लग रहा है चॉकलेट सेट हुई है बहुत अच्छे से इट इज गिविंग दैट क्रिस्प एकदम वो बाइट ना पा रहा है एंड देन दैट जूसी स्ट्रॉबेरी इन साइड इज सो गुड इफ यू वॉन्ट आप स्थेटिक दिखाने के लिए ऐसे भी कोट कर सकते हो वरना आप पूरी स्ट्रॉबेरी भी डिप कर सकते हो इट विल टेस्ट सो गुड जस्ट वन सजेशन डोंट गो विथ द चॉकलेट जो कि आपको इंटरनेट पे दिख रही है कि यूज दिस यूज दैट यूज वट एवर चॉकलेट यू लाइक अगर मैं इसमें डेयरी मिल्क यूज करती आई नो फॉर अ फैक्ट कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता बिकॉज डेयरी मिल्क इज टू स्वीट फॉर माई टेस्ट

स्प्राइट मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी माई थ्रोट इज नॉट वेल सो मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ट्राई करने वाली हूँ बट इफ़ इट टेस्ट गुड मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी रियली रियली गुड ड्रिंक फॉर द वैलेंटाइंस एंड इवन फॉर द समर्स बिकॉज बट नहीं समर्स में आई डों थिंक स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल होंगी सो आई एम जस्ट चॉपिंग द स्ट्रॉबेरीज रफली एंड पोटिंग दैम इन दिस स्टील का ग्लास बिकॉज मुझे इन्हें क्रश करना है एंड आई डोंट वांट टू रिस्क द कांच का ग्लास बिकॉज मम्मी घर से भगा देगी बट yes, तो अभी मैं इनको फटाफट से क्रश कर लेती हूँ आई नीड स्ट्रॉबेरी क्रश आर दीज स्ट्रॉबेरीज आर रियली रियली जूसी एंड गुड क्वालिटी मैंने ब्लेंकेट से मंगाई थी आई डिड नाट गो डाउन क्योंकि मैं काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुकी थी मैं इन्हें पार्शली क्रश कर लूँगी ताकि थोड़े बहुत पीसेज uh, भी रह जाएँ छोटे छोटे बट ऑल्सो जूस इज एक्सट्रैक्टेड यर सो आई एम नॉट मेकिंग लाइक अ प्रॉपर प्रॉपर थीन जूस बट मोर लाइक अ क्रश चलो लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग द ड्रिंक तो मैं ये स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ थोड़ा सा ना दैट इज प्रिटी मच ऑल द वर्क दैट यू हैव टू डू क्योंकि इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सिम्पल स्टेप है यू नीट पाइनएप्पल जूस आई डोंट नो कि उस रेसिपी में पर्टिकुलरली पाइनएप्पल क्यों लिखा था बट मे बी इट जस्ट टेस्ट बेटर विथ दैट आई एम गेसिंग बट उसमें स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ था कि पाइनएप्पल जूस ही आपको लेना है सो आपको हाफ पाइनएप्पल जूस एंड हाफ स्प्राइट लेना है नाओ स्प्राइट तो विल जस्ट बॉक है सोडा बट द मेन फ्लेवर इज फ्राम द स्ट्रॉबेरी एंड द पाइनएप्पल जूस ओनली तो ट्राई करते हैं Shits! This is what the drinks look like, and oh my god, aren't they the prettiest Valentine drinks ever? Oh my god, presentation-wise, this is the prettiest and the most Valentine-appropriate. Not that the other two weren't, but this is so pretty. It looks only so good. I mean, it's gradient so a it, uh, it starts with a light orange and goes to a saffron deep orange, then a magenta reddish thing and then a baby pink on top. The foam is also baby pink looks so good. Serve this on your Valentine's you will love it but, uh, valentines Valentin but Valentine's I feel this would be such an appropriate drink. The color does such justice and I'm gonna try now. स्लाइट टांग टू फील द पाइन एपल जूस बट ब्लेंडेड वेरी ब्यूटिफुल विद्रॉबेरी क्रश दोनों में से कुछ भी ओवर पावर नहीं कर रहा है इट इज जस्ट एप्सिल्यूटली परफेक्ट लाइक लिटरली परफेक्ट ड्रिंक आई कैन ड्रिंक इट कम्प्लीटली अभी मैं अपनी मम्मी और भाई को ये पिलाने वाली हूँ रिएक्शन सो गुड अट टेन ऑन टेन फॉर दिस ड्रिंक इस वीडियो से अगर आप और कुछ नहीं भी ट्राई करना चाहते हो जस्ट ट्राई दिस ड्रिंक इट इज लिटरली अ फाइव मिनट ड्रिंक जो पांच मिनट से भी कम में बन जाएगी इंक्लूडिंग सारा सामान गैदर करना एंड मतलब इट इज बेटर देन एनी ऑफ द ड्रिंक्स मॉक जो मैं रेस्टोरेंट्स में पीती हूँ बेटर देन एंड इट इज सो गुड आई एम डेफिनेटली बी मेकिंग इट अगेन एंड अगेन विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड आई मै सी की क्या ज्यादा और अच्छा लगता है बट स्ट्रॉबेरीज एंड पाइन ऐपल जूस टूगैदर इज सो गुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट आई एम सुपर टायर्ड विद ऑल द कुकिंग नाउ एंड अब मैं आज की लास्ट डिश बनाने वाली हूँ विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी क्योंकि मैं इतना ज्यादा थक चुकी हूँ जिस नीड अ हॉट एंड कोजी हॉट चॉकलेट एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर प्रिटी एस्थेटिक एंड वैलेंटाइन थीम्ड सो लेट्स मेक इट टूगेदर द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली टू बॉइल मिल्क एंड इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ टू स्लैश थ्री इनग्रीडियंट रेसिपी क्योंकि थर्ड इन्ग्रीडियंट ऑप्शनल होने वाला है सो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट वुड बी मिल्क सो जस्ट बॉइल दिल्ल टू एड दिस व्हाइट चॉकलेट मैंने इसे मेल्ट किया था इट इज लुकिंग समथिंग एल्स बट यू कैन यूज एनी व्हाइट चॉकलेट यू कैन ऑब्वियसली मेक द रेगुलर चॉकलेट वाला हॉट चॉकलेट बट आई वॉन्टेड टू मेक इट पिंक कलर्ड सो इसीलिए मैं व्हाइट चॉकलेट यूज कर रही हूँ एंड जस्ट लेट द टू मिक्स टूगेदर वेल एंड इसमें थोड़ा सा ये वाला मैंने फूड कलर मंगाया दिस इज रेड फूड कलर बिकॉज़ ऑब्वियसली रेड मिक्स विद वाइट इज पिंक सो आई एम गोइंग टू हैव पिंक चॉकलेट टुडे ओह माय गॉड लुक हाउ प्रीटी लुक्स वाओ दिस इज द परफेक्ट कलर दैट आई वांटेड लुक्स सो गुड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट वन बॉईल एंड दैट्स इट आपने देखा कितना ज्यादा सिंपल था इसको बनाना एंड इट इज ऑलरेडी डन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है पीने में बिकॉज इट इज वेरी वेरी हॉट लाइक कल ही मैंने हॉट चॉकलेट पी के अपनी जीप जलाई हुई है बट आई मै ट्राई नॉट माई फेवरेट बट इट टेस्ट गुड लाइक अगर आपको वाइट चॉकलेट पसंद है तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है इसमें शुगर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज द वाइट चॉकलेट ऑन इट्स ओन वॉज ओनली वेरी वेरी स्वीट बट इट टेस्ट रियली गुड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ डार्क चॉकलेट तो मुझे ऐसा स्वीट उतना ज्यादा पसंद नहीं आता बट दिस इज टेस्टिंग रियली रियली नाइस तो अगर आपको लगता है कि विंटर्स चल रहे हैं यू डोंट वांट दैट कोल्ड ड्रिंक जो मैंने इससे पहले दिखाई थी यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन इट टेस्ट रियली रियली गुड बस आप अपनी जो व्हाइट चॉकलेट है वो वही मंगाना जो आपको पसंद आएगी दिस वॉज रियली गुड नाउ डोंट गो बाय माई रियाक्शन एक तो आई एम वेरी वेरी टायर्ड एंड सेकेंडली मुझे अभी मीठा खाने का मन नहीं था तो दैट इज वाई एम नॉट द बेस्ट जज फॉर इट बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट आई विल गिव दिस वन 6 ऑन 10 इट इज रियोली रियोली गुड If you like sweets, if you don't, तो आपको ये नहीं पसंद आएगा And yes, with that, my Valentine recipes are done. I hope आप लोगों को पसंद आई हो ये पांचों recipes ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आप सबको Valentine's पे जरूर try करने चाहिए Whether you want to surprise your partner. Or you want to pamper yourself this Valentine's? these will be the perfect recipes. Create a very beautiful experience for yourself. जरूरी नहीं है एक partner को ना आपके life में. Just light a beautiful candle. have that aesthetic dim light wala vibe and place these beautiful items in front of you have a netflix and chill night with yummy food if you like cooking you can cook whatever you want if you don't like cooking or if you don't know how to cook these were the five easiest recipes that you could ever 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 make and Or your and yes, मुझे में बताना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यम रेसिपी कौन सी लगी मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया आई होप आप लोगों को देखने में भी मजा आया हो हैप्पी वैलेंटाइन्स गैलेंटाइन्स और सिंगल टाइम्स टू ऑल यू लेडीज आउट दैट आई लव 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 यू ऑल अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माइ नेक्स वीडियो स्टेल